हेलो एंड वेलकम आई एम राजीप चंद्राकर एंड आई एम सीनियर फैकल्टी ऑफ जोग्राफी एट अभिमन आज हम जिस प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम जीएस की बात करते हैं और यही प्रोसेस जो है वो ऑप्शनल में यूजुअली यूज होता है लेकिन इस प्रोसेस को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम डिफरेंट फिनोमिन की बात करें जैसे कि वाई कन्वेक्शनल रेनफॉल है वाई रेनफॉल डजेंट हैपन इन एटमोस्फेरिक स्टेबल कंडीशन तो इस टाइप के टर्म्स आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पेपर में देखें एडियाबैटिक कंडीशन नॉन एडियाबैटिक कंडीशन या एटमोसफेरिक इंस्टेबिलिटी एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी तो उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझना जरूरी हो जाता है तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन एज फार एज जी एस जोग्राफी इज कंसर्न इस पोर्शन से नहीं आए तो अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेसेस की तो एडियाबैटिक प्रोसेस होते क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक का बेसिक अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम देखें मतलब होता है इम्पॉसिबल दैट इज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ एयर पार्सल विथ इट्स सराउंडिंग तो ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं हो रहा है उसके सराउंडिंग के साथ ये ग्रीक वर्ड है वही हम नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें अगर तो वहां पर सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर एक्सचेंज हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम देखें कहां पर यूज होता है तो वो राइजिंग एंड फॉलिंग एयर पार्सल में हम करते हैं अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सपोज आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम साइकिल में हवा भरते थे, थे जिस पंप से बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस कंप्रेशन अगर आप उसे बहुत स्पीड से भरते हैं तो फिर वो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस कंप्रेशन उस सिनेरियो में क्या क्रिएट हो जाता है हीट क्रिएट हो जाता है उस पंप में अगर आप उसे टच करेंगे तो तो जब आप टच कर रहे हो उस पंप को तो वहाँ पर एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो रहा है टेम्परेचर दैट इज द बॉडी ऑफ द पंप

टेम्परेचर एक्सचेंज हो रहा है विद द सराउंडिंग एन्वायरमेंट एडियाबेटिक केस में क्या होता है कि जब आपका एयर पार्सल राइज कर रहा होता है तो वहाँ पर एनवायरमेंट के साथ उसका एक्सचेंज जब एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उस सीनैरियो में क्या क्रिएट हो रहा है इधर एक्सपेंशन इज हैपनिंग और कॉन्ट्रेक्शन इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग लेवल ऑफ एयर पार्सल अब हम अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आता है वो आता है लैप्स रेट का लैप्स रेट के सिनेरियो में होता यह है कि अगर हम नॉर्मल लैप्स रेट की बात करें नॉर्मल नॉर्मल लैप्स रेट ये कहता है कि जैसे-जैसे आपका एटमॉस्फेयर में हाइट इंक्रीज हो रहा है वैसे-वैसे आपके टेम्परेचर डिक्रीज होने चाहिए दैट इज टेंपरेचर शुड लैप्स और ये किस रेट से होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स यानी कि वन किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं एटमोसफियर में तो अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल लैप्स रेट होना चाहिए यूजली जो हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की बात करते हैं वो भी यही होता है सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस एवरी किलोमीटर लेकिन जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे हम तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट एयर पार्सल करिए जैसे आप सपोज़ करिए किसी डेजर्ट रीजन के ऊपर जो एयर पार्सल होगा कंपेरेटिवली ड्राई होगा और अगर वही किसी ओशन या फिर किसी लेक के ऊपर कोई एयर पार्सल फॉर्म हो रहा है तो वो कम्पेरेटिवली ह्यूमिड होगा कंपेरेटिवली वेट होगा इसके लिए जो कंसेप्ट आता है वो आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सपोज अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हंड्रेड परसेंट है हंड्रेड परसेंट है मतलब वो बॉडी सेचूरेटेड है अब सेचूरेटेड हो गया थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे ही क्रॉस करता है ड्यू पॉइंट को वैसे ही उसमें रेनफॉल के सिनारी क्रिएट हो जाते हैं लेकिन उसी बॉडी में अगर सपोज ट्वेंटी ही वाटर पेपर है तो उस में क्या हो रहा है आपका वो बॉडी सेचुरेटेड नहीं है दैट इज इट इज मोर टूवर्ड्स ड्राई एयर पार्सल तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एयर पार्सल के सिनेरियो में आपका 100 परसेंट वाटर वेपर कंटेंट हो चुका है एक वॉल्यूम ऑफ एयर में यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 100 परसेंट पहुंच चुका है वहीं दूसरे सिनेरियो में इफ इट इज फॉर्मिंग इफ इट इज बीइंग फॉर्मड इन ड्राई रीजन ट्वेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट और फोर्टी परसेंट ही उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है सो द एयर पार्सल इज कंपैरेटिवली ड्राइर अब अगर हम इनको ड्राई एयर पार्सल को वेट एयर पार्सल को कंपेयर करें तो किस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होता है वो रिलेट करता है प्रोसेस। सपोज एन एयर पार्सल इज हैविंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अराउंड सेवेंटी टू एटी परसेंट एंड नाउ द एयर पार्सल इज राइजिंग इज राइजिंग जब ये राइज होगा तो क्या होगा नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरेक्शन क्या होगा वाटर पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर आता है आपका कंसेप्ट ऑफ लेटेंट ऑफ कंडेंसेशन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के सिनेरियो में क्या हो रहा है आपका हीट जो है वो रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन दैट इज वाटर इज गेटिंग वाटर वेपर इज गेटिंग वाटर पार्टिकल्स आर गेटिंग कम्प्रेस्ड दे आर बींग कंडेंड और उस कंडेंसेशन के चलते हीट रिलीज हो रहा है तो इसी लिए आप देखेंगे कि यूजअली जो डब्ल्यू ए एल आर होता है वो उसका जो लैप्स रेट होता है वो फोर डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है यानी कि जब वो राइज कर रहा है तो वो धीरे धीरे टेम्परेचर लूज कर रहा है टेम्परेचर वो नॉर्मली लूज कर सकता है नॉर्मल लैप्स रेट के टेम्परेचर पर लूज कर सकता है लेकिन उसको बैलेंस करने क्या आ रहा है आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन आ जा रहा है कि जो हीट रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज बिंग माइनस फ्रॉम डब्ल्यू एल आर तो उसके चलते ये फोर डिग्री सेल्सियस होगा ई एल आर केस में ड्राई लैप्स रेट केस में क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंटिवली नेगेजिबल होगा क्योंकि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट गेटिंग कंडेंड तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेशन इज नॉट बींग रिलीज इसीलिए जो लैप्स रेट होगा वो भी अराउंड टेन डिग्री सेल्सियस का होगा अब इसमें अगर हम दो ग्राफ देखें इस ग्राफ को अगर आप देखते हैं कि नॉर्मल आपका लैप्स रेट चल रहा है सपोज फाइव डिग्री सेल्सियस के अराउंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो भी प्लेस टू तो प्लेस वेरी करता है तो यहाँ पर अगर नॉर्मल लैप्स रेट आपका चल रहा है फाइव डिग्री सेल्सियस के और यहाँ पर आपका जो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो फाइव डिग्री सेल्सियस से कम है ज़्यादा है दैट इज सिक्स डिग्री सेल्सियस तो ये जब तक इसे क्रॉस नहीं करेगा ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का कंडीशन होगा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के कंडीशन के लिए यूर ई एल आर शुड बी मोर देन अब ये सिनेरियो कब क्रिएट होता है क्योंकि तो आपको यहां पर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को देखना है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसे देखना है सपोज ये 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हो रहा है अब ये एयर पार्सल जैसे ही राइज होता है टेन डिग्री सेल्सियस से होता है फिर जैसे ही फर्दर राइज होता है जीरो डिग्री फिर माइनस सिक्स डिग्री सपोज एक एयर पार्सल राइज कर रहा है यहाँ पर ट्वेंटी फिफ्टीन टेन फाइव जीरो माइनस फाइव नॉर्मल रेट चल रहा है यानी कि पांच पांच डिग्री से एटमोस्फियर ठंडा होते जा रहा है जो सराउंडिंग है यहाँ पर क्या हो रहा है फाइव डिग्री सेल्सियस से कूल हो रहा है फिर टेन डिग्री सेल्सियस से कूल हो रहा है फिर इलेवन डिग्री सेल्सियस से कूल हो रहा है फिर ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस से कुल हो रहा है तो जो आपका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो क्या है अभी ज़्यादा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है जबकि यहाँ पर फाइव डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो लैप्स रेट के सीनारियों में जहाँ पर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका ज़्यादा होगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से वहाँ पर एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी का कंडीशन अब अगर हम इनस्टेबिलिटी की बात करें तो इनस्टेबिलिटी के, के केस में यहाँ अगर आप देखेंगे टेन डिग्री सेल्सियस का नॉर्मल ड्राई रेट चल रहा है आपका वेट रेट आपका सिक्स डिग्री सेल्सियस का चल रहा है लेकिन राइजिंग एयर जो है वो टू डिग्री फोर डिग्री टेन डिग्री सिक्सटीन डिग्री से वार्मर है यहाँ आपका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है और ड्राई एडियाबेटिक एडियाबेटिकैप्स रेट जो है वो ई एल आर को क्रॉस कर रहे हैं दैट इज दे आर ग्रेटर देन दी वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड ड्राई एडियाबेटिक एडियाबेटिकैप्स रेट आपको सिंपल अगर इसे समराइज करना है इस पूरे टॉपिक को तो आपको ये समझना है कि एयर पार्सल जब राइज होता है तो एक्सपेंड होता है जब फॉल होता है तो श्रिंक होता है बट डेंसिटी का भी वेरिएशन आता है और इसमें टेम्परेचर का भी वेरिएशन आता है और टेम्परेचर का वेरिएशन कंपनसेट करता है लेट हीट ऑफ कंडेंसेशन तो नॉर्मल लैप्स रेट जो होना चाहिए जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होना चाहिए किसी रीजन का वो बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी आपका ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेरी करता है तो यहाँ पर तीन चार जो रिलेटिवी को भी साथ में लेके चलना होगा अगर हम इसे समराइज करें कि कि किस टाइप का कंडीशन क्रिएट होता है तो हमें बस ये समझना है कि एप्सुल्यूट स्टेबिलिटी जब होगा जब एटमोसफियर में एडियाबेटिकेटल रेट एंड दैट इज लेस देन लैप्सरेट किसी भी रीजन Whereas instability में वेर एज इनस्टेबिलिटी के सीनैरियो मेंस देबेटिकट इज लेस देन एडियाबेटिकैप्सरेट जो कि एनवायरमेंटल होता है इसे हम ई एल आर भी लिख सकते हैं अब आपको ये देखना है कि स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में किस टाइप के कंडीशन क्रिएट होते हैं जो स्टेबल कंडीशन होते हैं वो यूजली दिल्ली में देखने को मिलता है आपने देखा होगा जब न्यूज़ आता है दिल्ली पॉल्यूशन से रिलेटेड पॉल्यूशन इन दिल्ली इज प्रोलॉन्ग्ड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक स्टेबल कंडीशन वो स्टेबल कंडीशन के सिनेरियो में आपके एडियाबैटिक लैप रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट का रिलेशनशिप होता है वहीं अगर हम कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें या इनस्टेबिलिटी की बात करें सडन रेनफॉल हो रहा है कहीं पर क्लाउड बस्ट हो रहा है तो वो इनस्टेबल कंडीशन होता है एटमोस्फेयरिक इनस्टेबिलिटी के चलते क्रिएट होता है जहाँ पर आपके लैप्स रेट इस फॉर्म में वेरी करते हैं तो आपको अगर फिजिकल फिनमिनन से लिंक करना है किसी भी रीजन को तो जहाँ हाई प्रेशर एरिया यूजुअली होता है जैसे दिल्ली के सिनेरियो में विंटर मंथ तो वहाँ पर स्टेबल कंडीशन देर इज इनस्टेबिलिटी एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर एरिया एट दी ग्राउंड लेवल और सरफेस लेवल तो इन चीज़ों को ऐसे हमज़ कर सकते हैं फर्दर इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर देखना है तो यू कैन जॉइन दी Uh, WhatsApp link which is being provided. Also you can see the classes at the geography mode at Abimanu,